हेलो एवरीवन वेलकम टू एस विक्टोरियल सो आज का जो हमारा टॉपिक है पॉलीमर्स सो वन थिंग आई वांट टू टेल यू आई थिंक दैट पॉलीमर्स इज़ द मोस्ट इग्नोर चैप्टर अमंग ऑल ऑफ अस लाइक वी ऑल इग्नोर दिस चैप्टर जब भी हम लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं किसी भी मेडिकल एग्ज़ाम की चाहे वो नेट हो या फिर कोई और एग्जाम हो मेडिकल का सो so, पूरी बुक पढ़ते पढ़ते पूरा सिलेबस पढ़ते पढ़ते जब हम थक जाते हैं जब हम पॉलीमर्स तक आते हैं तो हमें लगता है कि भाई ये बहुत ही बोरिंग चैप्टर है इसमें सिर्फ याद याद करना है और एक बार मैं कोई पहले पहले इसको देखता था ऐसा लगता है यार इतने सारी पॉलीमर्स है कैसे याद होंगे और काफ़ी बच्चे इस चैप्टर को छोड़ के चले जाते हैं बट वो सबसे बड़ी गलती होती है बिकॉज दिस चैप्टर इज़ अ बोनस चैप्टर इस चैप्टर में से हर कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन आता ही आता है और वो क्वेश्चन बहुत इजी होते देखते ही हो जाते हैं ओके सो ये बहुत ही बोनस चैप्टर है इस चैप्टर को बिल्कुल भी मत छोड़ना कभी भी इसको एक बार इसको करने में थोड़ी मेहनत लगेगी बट उसके बाद ये बहुत ही ईजी लगने लगेगा ओके सो लेट्स मूव हेड सो आज हम बात करने वाले हैं पॉलीमर्स के बारे में ओके okay? देखते हैं सो so ये बात तो आप सबको पता ही होगी अगर स्टार्ट चैप्टर ऐसे ही होता है कि टर्म पॉलीमर इज ड्राइव फ्रॉम टू वर्ड्स पॉली जिसका मतलब होता है मैनी यानी बहुत ज़्यादा ठीक है और मर मतलब होता है यूनिट या फिर पार्ट यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं पॉली मर मतलब कि बहुत ज़्यादा यूनिट छोटी छोटी यूनिट से जो मिलकर एक बड़ी यूनिट बनती है तो उस बड़ी यूनिट को हम बोलते हैं पॉलीमर ओके और जैसे कि हम लोग ये देख सकते हैं कि ये छोटी छोटी यूनिट्स है छोटी छोटी यूनिट्स आपस में जुड़ी हुई है बहुत सारी ठीक है और मिलकर एक बड़ी यूनिट बना रही है तो वो बड़ी यूनिट जो होगी पूरी की पूरी वो क्या हुआ पॉलीमर हुआ और ये इसका एक मोनोमर हुआ जो जिस छोटी यूनिट से मिलके हमारा पॉलीमर बनता है उस छोटी यूनिट को बोलते हैं मोनोमर अब ऑब्वियसली जब ये छोटी छोटी यूनिट्स मिलके बड़ी यूनिट बनाएगी तो उस बड़ी यूनिट का मास तो ज़्यादा ही हो जाएगा ओके okay, तो इसलिए बोल सकते हैं पर ऐसा नहीं कि अगर दो या तीन मिल भी एक छोटी सी यूनिट बना लेंगे तो पॉलीमर कुछ उसके मास की रेंज होती है ओके okay? ऐसे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एक्शन सॉरी जैसे हम लोग ये बोल सकते हैं पॉलीमर्स जो होते हैं एक्चुअली में बहुत लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनका मोलिकुलर मास बहुत बड़ा होता है टेनिसवा थ्री से लेके टेनिस सेवन यूनिफाइड मास जितना ओके या फिर इसे डेल्टन भी बोल सकते हैं और यानी इसका मतलब ये हुआ कि इतने ज़्यादा मोलिकुलर मास वाले जो पॉलीमर्स होते हैं जो हमारे मोलिकुल्स होते हैं उनको हम पॉलीमर्स बोलते हैं ओके सो दूसरी तो तरीके से ये बोल सकते हैं कि इन पॉलीमर्स को हम लोग माइक्रो मोलिक्यूल्स भी बोलते हैं बिकॉज बहुत ही छोटी छोटी यूनिट्स से मिलकर एक बड़ी यूनिट बनती है जिसका मोलिकूलर मास इतना ज़्यादा है इसलिए इनको मेनली हम माइक्रो मोलिक्यूल्स भी बोलते हैं एंड दिस प्रोसेस ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीमर्स उनके रेस्पेक्टिव मोनोमर्स है polymers, से उसको बोलते हैं पॉलीमराइजेशन ऐसे सबको ही पता होगा आपको अब आगे चलते हैं आगे ये है हमारे पास कि अब हमने देखा कि भाई पॉलीमर्स जो होते हैं वो माइक्रो मोलिक्यूल्स होते हैं मॉलिक्यूलर मास उनका बहुत ज़्यादा होता है और छोटे छोटे यूनिट्स से मिलके बने होते हैं तो हम लोग ये बोल सकते हैं पॉलीमर्स आर है फॉर्म फ्रॉम लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स ओके यानी कि ये बात हमें पता है कि रिपीटिंग यूनिट से बनते हैं बट इम्पॉर्टेंट बात ये क्या कि जो रिपीटिंग यूनिट्स होती है जो मोनोमर्स होते हैं ओके वो एक दूसरे से कोवल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं ओके पॉलीमर के बारे में एक चीज़ ध्यान में रखना कि पॉलीमर्स आर फॉर्मड फ्राम लार्ज नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स विच आर जॉइंट टू ईच अदर विद द हेल्प ऑफ कोल्ड एंड बोन ओके और ये रिपीटिंग यूनिट्स कैसे बनती है तो ये रिपीटिंग यूनिट्स जो होती है कोई भी हमारा सिंपल या फिर रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स हो सकता है जिससे हम लोग अपनी ये रिपीटिंग यूनिट बना रहे हैं ठीक है या ओके okay, और जो ये सिंपल हमारे रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स होते हैं अभी आपको पता चलेगा जैसे कि हम इसका एग्जांपल देखें ना एलवन सिक्स सिक्स के अंदर तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स हैं इनसे मिल के हमारी रिपीटिंग यूनिट क्या है इसमें हमारी रिपीटिंग यूनिट तो ये है ना पूरी की पूरी जो ये स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है विल शो यू ये हमारी रिपीटिंग यूनिट है ओके okay, हाँ. तो ये तो हमारी रिपीटिंग यूनिट हो गई जो रिपीट होगी बार बार और हमारा पॉलीमर बनाएगी ओके okay. लेकिन ये बन किससे रही है हेग्जा मिथालीन डायमिन से और एडिपिक एसिड से तो ये दोनों हमारे मोनोमर हो गए ओके okay? कहने का मतलब ये है कि सिंपल रिएक्टिव मॉलिक्यूल्स जो होते हैं जो कि रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनाते हैं या फिर जिनसे रिपीटिंग स्ट्रक्चरल यूनिट्स बनती है उन मॉलिक्यूल्स को हम मोनोमर्स बोलते हैं तो ये इसके दोनों मोनोमर्स हो गए ठीक है तो सिंपल uh, से हम एग्जांपल देख लेते हैं जैसे इथीन ये सबको पता है कि इथिन के पॉलीमराइजेशन से हमारी पॉली इथिन बनती है जो हम पॉलीथीन देखते हैं ना एक्चुअली उसकी फॉर्म हुई एक्चुअली जो उसको उसको तो अगर ढंग से देखें तोड़ के तो वो बनता है हमारा पॉली इथीन ओके यानी कि इथीन के जो पॉलीमराइजेशन से जो चीज़ बनेगी उसे बोलते हैं पॉली इथीन ओके तो ऑब्वियसली इसके अंदर तो मोनोमरीटी उसकी इथीन ही है और उसका पॉलीमराइजेशन हुआ तो हमारी पॉलीथीन बनी अब इसको ध्यान कैसे रखना है कि अब चाहे आप एन यहाँ लिखो यहाँ लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता इसकी इसका मतलब ये है कि ये हमारी रिपीटिंग यूनिट्स है जो ये स्क्वायर जो ये ब्रैकेट के अंदर ये हमारी रिपीटिंग यूनिट्स है इसके एन नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स अगर आपस में जोड़ देंगे तो हमारा पॉलीमर बन जाएगा पॉलीथीन बन जाएगा ठीक है अब ये कैसे बनाए एक बार इसको देख लेते हैं इसमें कुछ नहीं करा यहाँ पर जो ये पाई बॉन्ड है ना एक सिगमा बॉन्ड और एक पाई बॉन्ड है तो कुछ नहीं करना हमें इसको पाई बॉन्ड को तोड़ देना है और अगर ऐसे ही बहुत सारे इथिन मॉलिक्यूल्स जुड़ जाए और अपनी आर्म्स खोल ले मतलब अपने पाई बॉन्ड तोड़ के ये वाला बीच वाला और आपस में एक दूसरे से जुड़े तो हमारी पॉलिथीन बन जाएगी जैसे कि सपोज मैं बता देती हूँ ये सी एच टू है यहाँ पे ये एक सी एच टू यहाँ पे एक डबल बॉन्ड था ओके हमने क्या करा है? इस डबल बॉन्ड को तोड़ दिया ओके तो अब दोनों ने अपने अपने जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर करे थे ओके पाई बॉन्ड में शेयर करे थे ना ओके तो उन्होंने वो वापस ले लिया तो इसके पास भी एक अपना इलेक्ट्रॉन आ गया ओके और इसके पास इतना एक इलेक्ट्रॉन आ गया ये सिर्फ मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रही हूँ ये इसका कोई मैकेनिज्म नहीं है ये बस तुम समझ सको कि इस तरीके से हुआ होगा इस तरीके से इथिन मॉलिक्यूल टूट के पॉलीथीन बना होगा ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि ऐसे होता है ओके okay, जब आगे मैकेनिज्म आएंगे तब तो हम पढ़ेंगे कि एक्चुअल में ये हुआ कैसे होता कैसे है ओके okay, जब हम लोग हम लोग चेन टर्मिनेटिंग स्टेप्स चेन इनिशिएशन स्टेप ऐसे भी होता है बट उसमें अलग अलग टाइप के मैकेनिज्म होते हैं जब हम लोग पॉलीमराइजेशन करते हैं कि वो कैसे होता है फ्री रेडिकल मेथड से हो सकता है कैटायन से हो सकता है एनायन से हो सकता है किसी से भी हो सकता है मतलब कि उनके पॉलीमर बनने के अंदर इट इज़ नॉट ऐसा कहीं नहीं लिखा कि बट बट फ्री रेडिकल ही बनेगा बस नहीं ओके बट जहाँ तक हमारा पॉलीथीन का सवाल है तो पॉलीथीन के अंदर जो होता है वो फ्री रेडिकल तरीके से ही होता है जहाँ तक मुझे ध्यान है अभी बाकी जब हम आगे देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि पॉलीथीन के अंदर कैसे होता है ओके okay, सो so इसके वजह से तीन तरीके होते हैं एक तो ये कैटायनिक तरीके से भी हो सकता है कि जो इंटरमीडिएट बन रहा है बीच में वो कुछ भी बन सकता है कैटायन बी एना बी भी, फ्री एडिकल बट तो पॉलीथीन को समझने के लिए पहले हम ये देख लेते हैं okay, ओके तो ये बॉन्ड टूटा यहाँ पे एक इसके पास इलेक्ट्रॉन आया एक इसके पास इलेक्ट्रॉन आया ठीक है एक और हम लोग ऐसा का ऐसा इथीन मोलिक्यूल लाए ओके एक और ऐसा कहते हैं इथिन मॉलिक्यूल अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें सी एच टू ओके okay, तो इसका भी ये बीच का okay, जो पाई बॉन्ड है वो मैं तोड़ दिया तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है एक इलेक्ट्रॉन इसके पास अब इन दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है तो ये शेयर करके कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते बीच में ओके okay, तो यही करा ये शेयर करके एक दूसरी थीन मॉलिक्यूल के साथ कोवलेंट बॉन्ड बना लिए सिमिलरली इसके पास भी है तो ये भी एक दूसरी थीन मॉलिक्यूल के साथ मिलकर कोवलेंट बॉन्ड बना लेगा इसके पास भी है तो okay, ओके अपना एक तुम्हें दिख रहा है इलेक्ट्रॉन तो ये भी शेयरगा कि दूसरी थीन वर्क के साथ कॉलन बॉन्ड बना लेगा ओके तो इस तरीके से चेन लंबी लंबी होती जाएगी और हमारे पास पॉलीथीन बन जाएगा तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग ये ध्यान रख सकते हैं कि रिपीटिंग यूनिट जो हुई वो हमारी ये हुई सी एच टू सिंगल बॉन्ड सी एच टू और एक बॉन्ड के बीच में और ऐसे दिखा सकते हैं हम लोग कि ये यहाँ पर एक और यूनिट है यहाँ पर यूनिट तो ये रिपीटिंग यूनिट हुई इसके जब एन नंबर ऑफ मॉलिकूल जुड़ जाएंगे तो हमारे पास हमारा पॉलीथीन बन जाएगा ओके सो ये बात हुई आगे देख लेते हैं और भी कुछ पोलिमाइजेशन की एग्जाम्पल जैसे हमने देखा था क्या कि हेग्जामिथाइलिन डाईमी और एडेपिक एसिड को जब हम लोग मिलाएंगे तो हमारे पास नायलन सिक्स सिक्स बनता है ओके okay? और ये जो है ये हमारी इसके अंदर रिपीटिंग यूनिट है जब ये रिपीट होगी ओके okay? यहाँ जो कि जब ये रिपीट होगी तो हमारे पास हमारा पॉलीमर बनेगा नायलिन सिक्स सिक्स बनेगा और जो रिपीटिंग यूनिट्स है ये दो मोनोमर से बनी यानी अगर हमसे कोई पूछे कि इसमें मोनोमर कौन है तो ये नहीं लिखना है कि ये मोनोमर है मोनोमर हमारा एडिपिक एसिड और हेग्जाम मिथालियन डायामीन है ये रिपीटिंग यूनिट है अगर पूछे कोई कि एग्जाम में की रिपीटिंग यूनिट कौन सी है तो ये रिपीटिंग यूनिट है रिपीटिंग यूनिट फिर ये नहीं होगी ओके okay? और जस्ट मी आई एम टेलिंग यू बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि नायलन सिक्स सिक्स यूनिट्स के मोनोमर कौन कौन से है तो ध्यान में होना चाहिए कि नायलिन सिक्स सिक्स की मोनम्बर है हमारे हेग्जाम डायामीन और एडिपिक एसिड और उनके फार्मूल्स पता होने चाहिए ठीक है मोनोमास का खेल है सारा मोनोमस पता होना चाहिए और जब वो मिलके पॉली बनाएंगे तो ये कैसे बना अब ये देख लेते हैं कि ये रिपीटिंग यूनिट कैसे बना रखी है कुछ नहीं करना सिंपल है अगर सपोज मैंने इसका मॉलिक्यूल लिया और इसके मॉलिक्यूल लिए यहाँ पे इसके पास ओवच OH। ये एन तो ये दर्शा रहा है कि कितने नंबर ऑफ़ इसके हम लोग वो लेंगे मतलब मॉलिक्यूल्स लेंगे हम मोस लेंगे कुछ भी समझ लो कि वो कितने लेंगे हम लोग वो दर्शा रहा है ठीक है तो इसका से तो अभी हमें कोई लेना देना नहीं ये भी हम समझ रहे हैं सिर्फ तो इसके ओव एच यूनिटली और इसके यहाँ पे एच टू है अगर ओ एच और एच इसकी हम लोग ओ एच ले लेते हैं और इसका एक एच ले लेते हैं तो भी ऐसे अगर दिखाए इसको तो ये क्या बन जाएगा एच टू बन जाएगा तो एच टू ओ को निकाल दिया तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया अगर हम लोग देखें तो देखो यहाँ पे मतलब C डबल बॉन्ड O ये देखिए ये वाला जो कार्बन का पूर्व रूप है C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे इसके पास अब सिर्फ एक H बचा जो कि यहाँ पे शो करा हुआ है NH ओके सी ओ एन एच ओके एक्चुअली में क्या होता है सी ओ एन एच टू आर सी ओ एन एच टू अगर हमने फंक्शनल ग्रुप पता है पढ़े है तो हमें पता होगा आर सी ओ एन एस टू को हम लोग क्या बोलते हैं अमाइड ओके इसलिए ये जो है क्या है C -O -N -H. ये सी ओ एन एच ये अमाइड लिंकेज है ओके okay, इसलिए okay, इनको हम पोलियमाइड्स भी बोलते हैं नाल इन को पोलीमाइड्स भी बोलते हैं वो आगे पढ़ेंगे हम लोग बट अभी ध्यान रख सकते हैं ऐसे भी पूछ लेते हैं क्वेश्चन कई बार क्या विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स कंसिस्ट ऑफ अमाइड लिंकेज तो पता होना चाहिए भाई ये सी ओ एन एच है तो ये अमाइड लिंकेज है तो यही है एग्जाम्पल लो कि नारायण सिक्स सिक्स ही एग्जाम्पल होता है पॉलीअमाइड का तो इस तरीके से, हटे यहां से ही हटे यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल और जुड़ गए क्योंकि इसी तरीके से इस वाले कॉर्नर पे भी होगा जब यहाँ पर भी एग्जाम मिथैलिन का डाई अमीन आएगा तो उसके एक एच हटेगा और इसका ओ एच हटेगा और सिमिलरली सी ओ जो है वो रह जाएगा और वो ऐसे जुड़ जाएगा उसका तो एच टू हट जाएगा ठीक है सिमिलरली एन एच की भी देखें तो इस साइड ऐसे ही होगा कि जब यहाँ पे सी ओ एच जुड़ेगा तो इसका एक एच हटेगा और उसका ओ OH एच हटेगा जो दूसरा ओके okay, हमारा ग्रुप आके जुड़ेगा एडिपिक एसिड का उसका तो ये तो भी नहीं ध्यान में रखने वाली बात क्या है सिर्फ ये है कि हमेशा जो हमारा एन एच टू है वो सी ओ एच के साथ जुड़ेगा मतलब मतलब ये कि जैसे पहले हमने एग्जाम थेमिन का रखा एक मॉलिक्यूल फिर हमने एडिपिक एसिड का रखा फिर एग्जाम थे डायनमिन का आएगा फिर एडिपिक एसिड का आएगा ओके तो और जो इसमें हमारी रिपीटिंग यूनिट होगी वो ये हो यानी एक एंड पे हमारा एन एच ओके मतलब कि जो हमारा एग्जाम थे डायामिन का है, वो वाला एन एच और एक एंड में हमारा एडिपिक एसिड का कार्बोनाइल ग्रुप ओके और बीच में हमारा उन दोनों की हमारी लेंगे बस ये रिपीटिंग यूनिट ध्यान में रखनी इंपॉर्टेंट होती है अगर ये ध्यान में रहे तो हम पॉलीमर आराम से बना सकते हैं ओके okay? इसको एक बार अच्छे से देख लेना और दो चार बार प्रैक्टिस कर लेना कि क्या है इसकी रिपीटिंग यूनिट ओके तो हमें ध्यान में आ जाएगा कि भाई हमने वो कैसे बनाना है अपना नारायण सिक्स सिक्स कैसे बनाना है तो यहाँ पे लिखा भी है कि भाई इसमें इसकी जो मोनोमर है वो है हमारे okay, हेग्जा मिथालिन ड अमीन ओके okay, और हमारा एडिपिक एसिड ओके okay, और जो इसमें रिपीटिंग यूनिट है वो ये है ठीक है तो रिपीटिंग यूनिट अलग है इसमें मोनोमर अलग है इसमें इस बात का ध्यान रखना रिपीटिंग यूनिट क्या है कैसे बनी है ये भी ध्यान रखना रिपीटिंग यूनिट्स के एंड में हमने एक एंड पे कार्बोनिल ग्रुप का सीओ है एक एंड पे है, ये भी ध्यान रखना है ठीक है अब आगे चलते हैं आगे हम बोल सकते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर्स के बारे में पॉलीमर्स के अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो पॉलीमर्स की क्लासिफिकेशन मेनली हम लोग इतने तरीके से कर सकते हैं पांच तरीके से कर सकते हैं एक तो क्लासिफिकेशन जो बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ देयर सोर्स की बेसिस पे दूसरी क्लासिफिकेशन जो उनकी बेस्ड होती है ऑन द बेसिस ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स तीसरी क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन की भाई वो पॉलीमराइजेशन कैसे कर रहे हैं और चौथी जो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर फोर्सेस यानी कि उन पॉलीमर्स के बीच में जो मॉलिकुलर फोर्सेस ऑपरेट हो रहे हैं उनके बेसिस पे ठीक है एंड लास्ट एंड लास्ट जो है वो होती है ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ पॉलीमराइजेशन यानी पॉलीमराइजेशन में तो ग्रोथ ही हो रहा है तो उसका मैकेनिज्म क्या है ओके उसके बेसिस पे हम लोग इनका क्लासिफिकेशन कर सकते हैं देखते हैं हम लोग कि देखेंगे कि कैसे कैसे इन क्लासिफिकेशन हो रहा है सबसे पहले देखते हैं हम लोग क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स कि सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स को कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं तो so, देखो ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के बेसिस पे पॉलीमर्स को हम लोग दो के okay, या फिर तीन तीन में पार्ट्स में कर सकते हैं क्लासिफाई हो गया नेचुरल पॉलीमर्स एक होता है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स और एक और जो होता है वो होते हैं हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स उसके बारे में हम पढ़ेंगे हम नेचुरल पॉलीमर्स क्या होते हैं यानी वो पॉलीमर्स जो हमें नेचर से मिले कहीं से भी तो नेचर में क्या है हमारे पास कोई प्लांट से मिले कोई एनिमल से मिले तो उन्हें हम लोग बोलते हैं नेचुरल पॉलीमर्स कुछ भी हो सकता है ये हमारे प्रोटीन्स जो हुए हमारे सेल्लोज जो हुए स्टार्च हुए कुछ रेजेंस कुछ रबर जो होते हैं ये सब नेचुरल पॉलीमर्स है सेलोज जो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं प्रोटीन जो जिससे हमारी पूरी बॉडी बनी है जो न्यूक्लिक एसिड ये सब नेचुरल पॉलीमर्स है जो कि हमें किसी भी प्लांट से किसी भी एनिमल से मिल सकते हैं हमें पता है कि प्रोटीन इज़ अ पॉलीमर जो कि अमीनो एसिड से मिल बनता है सेलुलोज सेलुलोज एक पॉलीमर है ग्लूकोज के यूनिट्स को जोड़ जोड़ के बनता है इसी तरह स्टार्च भी हो okay, गया या पॉलीमर है जो कि ग्लूकोज के यूनिट्स को जोड़ जोड़ के बनते हैं ना ओके सारे हमारे नेचुरल पॉलीमर्स के एग्जांपल हो गए आगे देखते हैं हम आगे हो गए हमारे पास सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी वो पॉलीमर्स जो कि ऑबटेन तो हमारे नेचर से ही हो रहे हैं डायरेक्टली इनडायरेक्टली लेकिन उनको हम डायरेक्टली उनका पॉलीमराइजेशन नहीं कर रहे जो नेचर से मटेरियल ऑब्ट हो रहा है उसमें कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर रहे हैं ठीक है यार यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो पॉलीमर्स जो कि नेचुरली अकरिंग पॉलीमर्स जो है उनसे डिराइव करे जा रहे हैं यानी जो हमारे नेचुरल पॉलीमर्स हैं अगर उनमें हम कुछ केमिकल मॉडिफिकेशन कर दें उनके अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर दें जैसे कि हमने किसी का एसिडाइलेशन कर दिया किसी का नाइट्रेशन कर दिया तब जो पॉलीमर्स ऑप्टेन होंगे तो उन्हें बोलेंगे हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स क्योंकि वो पूरे सिंथेटिक तो होंगे नहीं और पूरे नेचुरल भी होंगे तो उन्हें बोलते हैं हम सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स ओके देखते हैं इसके एग्जाम्पल के बारे में तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हमें पता है कि सेलुलोज जो है हमारा नेचुरल पॉलीमर है तो सेलुलोज का अगर हम लोग एसिटाइलेशन कर दे एसिटाइलेशन कैसे कर सकते हैं हम लोग एसिटिक एनहाइड्रेट से रिएक्ट करा दें उसको ठीक है इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्स्टिट एस टू एस फोर की प्रेजेंस में तो उसका एसिटाइलेशन हो जाएगा तो हमें मिलेगा सेलुलोज डाई एसिटेट ओके जो कि जो हमें पता है ना रेन रेऑन हमें पता होगा ओके okay? जो जो कि जिससे थ्रेड बनाते हैं हम लोग ठीक है यार वो बनाने के काम होता है और सेलोज डाईसिडेट को क्या बोलते हैं फिर सेलोज एसीडेट तुम समझ लो उसको बोलते हैं हम लोग रेऑन रेओन जो कि हमारे गए, थ्रेड है विच आर मेकिंग यूजफुल फॉर थ्रेड जो कि थ्रेड होता है ठीक है यहाँ उनके वो बनाने की काम आता है नकी? तो फिर अब हमने सेल्लोज मतलब कि जो सेलोज नेचुरली पॉलीमर था उसका एसिटाइलेशन करके हम लोगों ने रेयन बनाया सेलोज एसिटेट बनाया तो इसलिए इट इज द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आगे देखते हैं आगे है हमारे पास सेलुलोज नाइट्रेट सिमिलरली हमने सेलुलोज का अगर नाइट्रेशन कर दे अगर उसका हम लोग ओके तो हमें क्या मिलेगा ओके तो हमें मिल जाएगा अपना सेलुलोज नाइट्रेट ओके तो ये भी हमारा सेमिसनरिक पॉलीमर्स हो गया सेलुलोज एन्थेड भी सेमिसनरिक पॉलीमर्स हो गया वुल्कनाइज रबर जो नेचुरल रबर होता है ओके इसके बारे में हम पढ़ेंगे आगे नेचुरल रबर के अंदर अगर हम लोग सल्फर की लिंकेजेस कर देते हैं नेचुरल रबर जो होता है एक्चुअली में बहुत स्टिकी होता है तो जो उसके अंदर सल्फर की लिंकेजेस कर देते हैं अगर हम लोग तो हमारे पास बुल्कनाइज रबर यूज बन जाता है और जो कि नेचुरल रबर से सुपिर होता है उससे अच्छा होता है ठीक है यार इट इज़ एक्सटेंसिवली यूज फॉर मेकिंग टायर्स और टायर्स बनाने के काम आता है ठीक है सो दिस इज ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स आगे बात करते हैं हम लोग गन कॉटन के बारे में गन कॉटन भी एग्जाम्पल है सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स का कैसे बनता है वही जो सेलुलोस ट्राइनाइट्रेट जो होता है ना उसको बोलते हैं हम लोग गन कॉटन ओके यार जो कि हमारे बहुत ही एक्सप्लोसिव्स बनाने के काम आता है तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसी में भी पूछ लेते हैं छोटा सा कि भाई गन कॉटन जो हम लोग पढ़ते हैं वो किसका एग्जाम्पल है वो एक सेमी सिंथेटिक पॉलीमर का एग्जाम्पल है कैसे बनता है वो सेलुलोस ट्राइनाइट्रेट को हम लोग गन कॉटन बोलते हैं ठीक है यार तो ये क्वेश्चन बहुत ही कॉमन है और बहुत ही मतलब कि इसी में से उठाए हुए तो आपको एक बार चैप्टर अच्छे से पढ़ना है और बहुत ही ढंग से पढ़ना है क्योंकि इसमें से बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं और अगर हाथ से पता हो तो टाइम वेस्ट नहीं होता सीधे से मतलब टिक हो जाता है ओके एंड यू विल गेट योर मार्क्स ओके तो ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं अगर आपको कहीं से और एग्जाम्पल मिले तो वो भी करके जाइएगा आगे बात करते हैं हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स यानी वो पॉलीमर्स जो कि पूरे मैन मेड होते हैं यानी कि जिनको जिनको हम लोग कहीं भी नेचर से ओबडेन नहीं होते वो हमारे पूरे मैन मेड पॉलीमर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग सिंथेटिक पॉलीमर्स उनकी जैसे जो हम पढ़ते हैं प्लास्टिक प्लास्टिक क्या है प्लास्टिक पूरा मैन मेड है कहीं नेचर से डिलाईव नहीं हुआ है कुछ नहीं हुआ है प्लास्टिक का बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास क्या है पॉलीथीन अगैया सो इट इज मैन मेड पॉलीमर यानी सिंथेटिक पॉलीमर है तो सिंथेटिक फाइबर्स हम लोग देखते हैं सिरन सिक्स सिक्स क्या एक सिंथेटिक फाइबर है तो वो हमारा सिंथेटिक पॉलीमर है जो हम लोग सिंथेटिक रबर्स देखते हैं जैसे न्यूप्रीन हो गया पॉलिसटरिन हो गया ये सब क्या है ये सब हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स ही है ओके okay. तो ये सारे लोग हमारे सिंथेटिक पॉलीमर्स के एग्जाम्पल्स सो सबको देखना एक बार अच्छे से और सबकी एग्जाम्पल्स याद करना बहुत इंपॉर्टेंट है और सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स के अंदर जो एग्जांपल्स है वो ये भी पता होने चाहिए कि वो जो पर्टिकुलर पॉलीमर बना है वो नेचुरल पॉलीमर में क्या केमिकल मॉडिफिकेशन हमने करी जिससे हमारा वो पॉलीमर बना ओके okay. अब आगे चलते हैं आगे हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें पॉलीमर्स की ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स उनके स्ट्रक्चर ऑफ पॉलीमर्स के बेसिस पे अगर उसकी क्लासिफिकेशन करें तो हम लोग पॉलीमर्स को अगेन हम लोग इसको मेनली तीन पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं एक हो गया लीनर पॉलीमर एक हो गया ब्रांच इन पॉलीमर और एक होता है हमारा क्रॉस लिन पॉलीमर ओके पहले देख लेते है, कौन से होते हैं।, वो होते हैं जिसके अंदर मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो सीधे सीधे जुड़ी रहती है और लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म कर लेती है पॉलीमर की ठीक है यानी जिसमें मोनोमर यूनिट जुड़ के सीधे सीधे और एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन फॉर्म कर लेगी पॉलीमर की तो उस पॉलीमर को हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलीमर ओके अब बात करते हैं कि ये लीनियर पॉलीमर्स जो होते हैं इसके अंदर ओके जो वेरियस पॉलीमर्स चेन्स होती है वो एक दूसरे के ऊपर रखी जाती है एक दूसरे के ऊपर स्टैक्ड होती है ठीक है यार इसलिए या, और ये लीनियर लीनियर चेन होती है ओके तो इनको एक दूसरे के ऊपर रखा भी जा, जा सकता है इसलिए ये बहुत ही पैक्ड स्ट्रक्चर देती है और पैक्ड स्ट्रक्चर होने की वजह से क्लोज पैकिंग होने की वजह से पॉलीमर्स की इनकी जो डेंसिटी होती है वो बढ़ जाती है ओके यार जो कि बहुत ही लीनियर होती है तो देख रहे इसकी ऐसे एक चेन है पॉलीमर की ओके ये लीनियर चेन है ठीक है एक सीधी सी चेन है अगर हम लोग दूसरी चेन को इसके ऊपर रखें इसकी ना कोई ब्रांचिंग है तो कोई भी हमारे रास्ते में हैंडल्स नहीं आ रही रुकावट नहीं आ रही कि अगर ये सपोज़ इसकी ब्रांचिंग होती मतलब ऐसे हर एक की तो इतने अच्छे से क्लोज पैकिंग नहीं हो पाती लेकिन इसकी ब्रांचिंग नहीं है क्योंकि इसकी ब्रांचिंग नहीं है इसलिए हम लोग एक लीनियर चेन को दूसरे के ऊपर बहुत ही आराम से रख सकते हैं ऐसे ऐसे करके ओके okay, तो जब ऐसे ऐसे कर सकते रख सकते हैं तो इनकी जो डेंसिटी है वो बहुत ज़्यादा हो जाएगी ठीक है ओके okay, तो इसलिए बोल सकते हैं कि इनके अंदर अगर क्लोज पैकिंग होती है पॉलीमर चेन की इनके अंदर और इनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है इनके okay? डेंसिटी जाना हो ना होने की वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी बहुत ज़्यादा होता है ओके okay? तो बस ये ध्यान में रखना है कि लीनियर पॉलीमर्स कुछ नहीं होते मोनोमोस पोलिको इससे जोड़ी जाती है तो द लीनियर मॉलिक्यूल पॉलीमर्स लीनियर पॉलीमर चेंज जो होती है कि इनको हम लोग पैक कर सकते हैं क्लोज पैकिंग हो सकती है लेकिन मिसटैक् वन आन अंदर ठीक है यहाँ और इसकी वजह से जो इनकी डेंसिटी होती है वो बहुत बढ़ जाती है इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो भी बहुत बढ़ जाता है इसके एग्जाम्पल्स एकदम सिंपल है जो हमारे पास है हाई डेंसिटी पॉलीथीन ये पॉलीथीन दो टाइप की होती है हाई डेंसिटी लो डेंसिटी इनकी दोनों के अंदर जब भी हम पॉलीथीन बना रहे होते हैं तो उसके जो प्रोसेस होता है बनाने का उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है तो उससे हम लोग देख सकते हैं कि भाई जो जो हमारी अगर okay, पॉलीथीन होती है वो दो टाइप की कैसे होती है ठीक है मतलब कि हाई डेंसिटी पॉलीथीन कौन सी होती है ठीक है और हमारी लो डेंसिटी पॉलीथीन कौन सी होती है वो हम आने आने आने, आने आगे देखेंगे ओके अभी सिंपल से ये समझ लेते हैं कि भाई लीनियर पॉलीमर का एग्ज़ाम्पल जो है वो है हमारा हाई डेंसिटी पॉलीथीन हमारा पॉलीविनाइल क्लोराइड जिसको हम पी बोलते हैं और ऑब्वियसली हमारे पॉली इस डर गया तो पॉलीएस्टर्स जो होते हैं हमारे वो भी हमारे एग्जाम्पल्स से लीनियर पॉलीमर्स के ये क्या होते हैं सब पॉलीस्टर्स इनके बारे में हम आगे पढ़ेंगे सिंपल से देख के पता चल रहा है नाम को यानी कि जिसके अंदर एस्टर लिंकेज हो और उसकी पॉलीमराइजेशन हो रही हो तो उनको भी नहीं हम बोलते हैं पॉलीएस्टर्स ओके आगे बात करते हैं हम लोग ब्रांच चेन पॉलीमर्स के बारे में ब्रांच चेन पॉलीमर्स कौन से होते हैं okay. यानी कि अब देखो हमने जब लीनियर पॉलीमर्स के बारे में कही तो हमने कहा कि भाई वो सीधे सीधे जुड़ जाती है आपस में उनके तो और एक लीनियर चेन बना लेती है लेकिन ब्रांच चेन पॉलिमर्स ऐसे नहीं होते उसके अंदर मोनोमर यूनिट्स जो होती है वो जुड़ के लीनियर चेन नहीं बनाती है मतलब उनकी ब्रांचेस भी होती है ओके यार मोनोमर यूनिट्स दे कम्बाइन टू प्रोड्यूस द लीनियर चेन ओके यार लेकिन सिर्फ लीनियर चेन नहीं बनाती लीनियर चेन की ब्रांचेस भी होती है वो ब्रांचेस कितनी भी बड़ी हो सकती हैं ठीक है yeah? जैसे कि हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये हमारी एक चेन है तो भाई ब्रांच इन पॉलीमर्स के अंदर जो मोनोमर यूनिट होती है वो जुड़ेगी जुड़े के लीनियर चेन बनाएगी ही बट सिर्फ लीनियर चेन बनाएगी ये नहीं बोल सकते लीनियर चेन जो बनाएगी उसमें ब्रांचेस भी होगी ओके ऐसे ऐसे ओके अभी ब्रांचेस कितनी बड़ी होगी दिस विकांत से अब जब ब्रांचेस इसके अंदर होगी तो जब इसके अंदर हम दूसरी अगर ऐसी ही चेन रखें तो उसमें भी ब्रांचेज होगी तो इनकी इनको हम लोग इतने अच्छे से क्लोज पैक नहीं कर सकते जितने अच्छे से हम लोग लीनियर चेन को कर सकते हैं ओके क्योंकि कैसे क्लोज पैक कर पाएंगे देखो इनको हम इतने अच्छे से क्लोज पैक नहीं कर पा रहे तो इनकी डेंसिटी भी ज़्यादा नहीं होगी इनकी डेंसिटी भी कम ही होगी ठीक है तो फिर डेंसिटी कम होगी अगर इनकी तो मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा इनकी टेंसिल स्ट्रेंथ जो है लीनियर चेन के कंपेरिजन में कम होगी ओके तो हम ये बोल सकते हैं इसके अंदर जो हमारा एग्जाम्पल आएगा वो आएगा लो डेंसिटी पॉलिथीन का अमाइलोपैक्टीन का ग्लाइकोजन का तो बस ये ध्यान में रखना है हमें क्या कि जो हाई डेंसिटी पॉलीथीन है पी वी हो गया पॉलीस्टर्स हो गया ये सब एग्जाम्पल्स हैं हमारे लीनियर पॉलीमर्स के ठीक है और जो लो डेंसिटी पॉलीथीन है अमाइलोपैक्टिन है ग्लाइकोजन है वो सब एग्जाम्पल लोग हैं हमारे ब्रांच इन पॉलीमर्स के ठीक so, okay, है सो ओके जो ये ब्रांच इन पॉलीमर्स हैं इनको हम लोग टू डायमेंशनल पॉलीमर्स भी बोलते हैं ये भी हमें ध्यान में रखना है अगर आ गया क्वेश्चन पेपर में कि फॉलोइंगर कॉल्ड ऑल्सो कॉल्ड टू डायमेंशनल पॉलीमर्स तो हमें सीधे बताना है कि भाई ब्रांच पॉलीमर्स जो होते हैं उनको हम लोग टू डायमेंशनल पॉलीमर्स भी बोलते हैं ओके okay? आगे चलते हैं okay. अब हम लोग बात कर रहे हैं तो क्रॉस लिंक्ड के पॉलीमर्स के बारे में जिनको हम लोग नेटवर्क पॉलीमर्स भी बोलते हैं या फिर उनको हम थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स भी बोलते हैं सिंपल सी बात ध्यान रखनी की है कि टू डायमेंशन पॉलीमर्स कितने बोलते हैं जो ब्रांच इन पॉलीमर्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टू डायमेंशन पॉलीमर्स ओके okay, या और जो हमारे नेटवर्क पॉलीमर्स होते हैं क्रॉस लिंक पॉलीमर्स होते हैं उनको बोलते हैं हम लोग थ्री डायमेंशनल पॉलीमर्स ठीक है अब इनके अंदर क्या होता है देखो इन दीज पॉलीमर्स के अंदर अगर जो हमारी जो लीनियर पॉलीमर चेन जो होती है वो जुड़ी होती है एक दूसरे से इस तरीके से कि वो एक थ्री डायमेंशन नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाती है ठीक okay. no, है जो हमारी लीनियर चेंज होती है वो इस तरीके से एक दूसरे से जुड़ी होती है कि वो थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर बना रही है इसलिए हम लोग इनको थ्री डायमेंशनल पॉलिमर्स भी बोलते हैं ठीक है ऐसे ये हमारी लीनियर चेन है ठीक है ये इसके ऊपर दूसरी चेन है ये तीसरी चेन है ठीक है यार एंड दिस इज हाउ ठीक है यार ये चें जो है अपने एक दूसरे से क्रॉस लिंक्स होगी ठीक है और जो अब तक हमें देखने को मिला जैसे कि ये यहाँ पे क्रॉस लिंक है यहाँ पे क्रॉस लिंक है ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ये यहाँ पे ठीक है तो एक दूसरे से क्रॉस लिंक्स होगी ये देखिए यहाँ और क्रॉस लिंक होने की वजह से ये एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट कर रही है और थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर क्रिएट होने की वजह से ही इनको हम लोग थ्री डायमेंशनल पॉलीवर्स भी बना बोलते हैं और क्योंकि ये पूरा नेटवर्क बना रही है इसलिए इनको मिली हम नेटवर्क पॉलीवर्स भी बोलते हैं और क्योंकि इनके अंदर ये क्रॉस लिंक्स है इसलिए लिंक को मिले हम लोग क्रॉस लिंक पॉलीमर्स भी बोलते हैं ओके इसके जो बेस्ट एग्जाम्पल हमारे पास है वो है बेकेलाइट यूरिया फॉर्मेलिटी हाइड ओके मेलामाइन फॉर्मेलिटी हाइड तो ये सब एग्जाम्पल्स आपको याद करने पड़ेंगे कि भाई इसके ये सब एग्जाम्पल है और जब आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे बिकलाइट के बारे में यूरिया फॉर्मेलिटी हाइट के बारे में देन यू विल गेट टू नो कि ये सच में क्रॉस लिंक पॉलीमर्स के ही एग्जाम्पल है ओके तो हम ये बोल सकते हैं कि ये पॉलीमर्स जो होते हैं ये बहुत ही हार्ड होते हैं बहुत ही बिटल होते हैं बहुत ही रिजिड होते हैं थ्री डायमेंशनल तो स्ट्रक्चर है क्योंकि इनका ओके अब आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं कि, कि जो हम लोग ओके क्लासिफिकेशन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ़ पॉलीमराइजेशन ओके यानी मोड ऑफ़ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे जो हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं उसके बारे में देखते हैं हम लोग तो ऑन द बेस ऑफ मोड ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेसिस पे ये बोल सकते हैं कि क्लासिफिकेशन हमारे जो होते हैं हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन हो सकती है और दूसरी हमारे पास कंडेंसेशन पोलीमाइजेशन हो सकती है दोनों के बारे में पढ़ेंगे फिलहाल पहले देख लेते हैं एडिशन पोलीमाइजेशन के बारे में यानी एडिशन पॉलीमर्स क्या होते हैं ओके सो इन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोलिमाइजेशन के बेसिस पे एडिशन पॉलीमर्स होते हैं और हमारे पास कंडेंसेशन पॉलीमर होते हैं यानी कि एडिशन पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द रिपीटेड एडिशन ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ सेम और डिफरेंट मोनोमर्स पोजिंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड ओके यानी कि वो पॉलीमर्स जो कि सेम या फिर डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स जिनके अंदर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है उनकी अगर रिपीटेड एडिशन से फॉर्म हो उनको बोलते हैं हम लोग एडिशन पॉलीमर्स अब बात करते हैं कि एडिशन पॉलीमर्स इसकी जो इथीन से पॉलीथीन बनने का जो एग्जांपल है सबसे सिंपल एग्जांपल है ये हमारे एडिशन पॉलीमर का एग्जाम्पल है भाई इथीन की एक मॉलिक्यूल है इसमें डबल बॉन्ड भी है अगर इथिन के सेम मॉलिक्यूल्स हम लोग जोड़ दें आपस में तो पॉलीथीन बन जाएगी तो ये एग्जाम्पल हो गया हमारे एडिशन पॉलीमर का okay? अब बात ये है कि एडिशन पॉलीमर जो है इट कैन बी द होमो पॉलीमर या फिर इट कैन बी द को पॉलीमर ओके जो हमारे एडिशन पॉलीमर होते हैं ये पॉलीमर भी हो सकते हैं और को पॉलीमर भी हो सकते हैं देखते हैं हम आगे सो so, आगे बोल सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर जो है बिजर फॉर्मड बाय द पॉलीमराइजेशन ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ मोनोमर्स देयर नोनाज होमोपोलीमर रखें यानी कि वो एडिशन पॉलीमर रखें हमने कहा कि भाई इसके अंदर लार्ज नंबर ऑफ के मोनोबर यूनिट जुड़ती है जो कि सेम भी हो सकती है डिफरेंट भी हो सकती है वो मोनोबर यूनिट में डबल है ट्रिपल बॉन्ड है तो वो एडिशन पॉलीमर बिचार मिली फॉर्म बाई द पोलीमाइजेशन ऑफ ऑनली वन टाइप ऑफ मोनोबर यूनिट जो सिर्फ और सिर्फ एक टाइप की मोनोमरूनिट्स की पोलीमाइजेशन से फॉर्म होती है उस टाइप की पोलीमाइजेशन को हम लोग एफ उस टाइप के पॉलीमर जो फॉर्म होता है उसे में लिए हम लोग बोलते हैं होमोपोलीमर यानी जैसे हमारे पास एग्जांपल है पॉलीथीन का सिर्स पॉली आइसोप्रीन जो कि आइसोप्रीन जो होती है उसके पॉलीमाइजेशन से फॉर्म होती है दूसरी होती है हमारे पास पी जिसको हम लोग पॉली क्लोराइड बोलते हैं ओके ओके तो उसके अंदर भी जो पॉलीमाइजेशन से बनती है तो उसको भी हम लोग बोल सकते हैं यानी कि जो विनाइल क्लोराइड के पोलिमाइजेशन से बनेगी ओके यार तो वो भी हमारे एक ही टाइप के मतलब मोनोमर के रिपीटेड एडिशन से जो हमारा पॉलीमर बन रहा है उसको बोलते हैं हम लोग हमारा होमोपोलीमर जैसे कि पॉलीथीन बेस्ट एग्जाम्पल इथीन जो है ये हमारा एक मॉलिक्यूल है इसमें डबल बॉन्ड भी है और ये एक ही टाइप के मॉलिक्यूल नहीं सिर्फ और सिर्फ अगर हम लोग इथिन को ही रिपीट करते रहे तो हमारे पास हमारा पॉलीथीन बनता है तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि आगे सिर्फ और सिर्फ एक ही टाइप के मोनोमर इनके रिपीटेशन से जो हमारा पॉलीमर बन रहा है पॉलीथीन बन रहा है ठीक है यार तो इट इज़ अ एग्जाम्पल ऑफ हमारे आगे यार होमोपोलीमर का ठीक है होमोपोलीमर में कोई ओके okay, मतलब कि ऐसी चीज़ याद करने वाले लिंस भी है कि भाई मोनोमेंट जुड़ेगी और अगर सिर्फ एक ही टाइप की मोनोमोजेंट जुड़ती है तो वो गए हमारा, हमारा हम पॉलीमर आगे देख लेते हैं हम लोग okay, अगर हम बात करेंगे तो एडिशन पॉलीमर जो होते हैं विचामिली फॉर्म बाई रिपीटेड एडिशन ऑफ टू और, और मोर टाइप्स ऑफ मोनोमजुनस उनको बोलते हैं हमारा कोपोलीमर होकर टिकी यानी हम लोग ये बोल सकते हैं कि अगर अगर हमारी एक ही टाइप की मोनोमजो आपस में जुड़ जुड़ के अगर हमारी पॉलीमोजुन बनाएं तो उसको हम बोलते हैं पॉलीमर लेकिन अगर के हमारी दो या दो से अलग दो या दो से ज़्यादा टाइप्स के मोनोमर यूनिट्स जुड़े तो उनको मिली हम लोग बोलेंगे कोपोलीमर ओके एग्जाम्पल देखेंगे तब समझ में आएगा कि भाई इथीन जो है इथिन का तो एक मॉलिक्यूल है उसको अगर हम जोड़ते रहे तो हमारे पास पॉलिथीन बन जाएगा तो वो एग्जाम्पल हो गए होमोपोलीमर का लेकिन अगर जो हमारी मोनोमर यूनिट्स हो वो अलग 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 मोनोमर यूनिट्स को अगर हम लोग जोड़ के अगर हम लोग जब तक पॉलीमर बनाते हैं तो वो एग्जाम्पल हो गया हमारा को पॉलीमर का जैसे कि हम लोग देख सकते हैं हमारे पास यहाँ पे ब्यूना एस और ब्यूना एन होता है ओके ब्यूना एस क्या है ओके यार ब्यूना एस कैसे बनता दे? है ये देखते हो और ये को पॉलीमर का एग्जाम्पल कैसे है क्योंकि इसके अंदर जो हमारी मोनोमर यूनिट्स है वो दो मोनोमोट है हमारे पास एक वन थ्री बीटेड और एक स्टाइरिन भैया इन दोनों मोनोमर यूनिट्स की रिपीटेड एडिशन से हमें अपना के पॉलीमर मिल रहा है हमें अपना ब्यूना एस मिल रहा है इसलिए ये जो है ये हमारा एग्जाम्पल हो गया हमारे ओके okay, कोपोलीमर का ठीक है इस तरह ब्यूना एन भी हमारे कोपोलीमर का एग्जाम्पल होता है देखते हैं कैसे ओके okay, ब्यूना एस जो है उसके अंदर क्या होता है हमारा वन थ्री ब्यूटर डा जो है वो स्टाइरिन से जुड़ा ओके okay, तो ओके okay, हमारे पास क्या बन गया हमारा हमारे पास बन गया ब्यूटर डा इंच कोपोलीमर ब्यूना एस तो ये कोपोलीमर का एग्जाम्पल कैसे है क्योंकि इसके अंदर जो हमारी मोनोमर यूनिट्स है वो अलग अलग है डिफरेंट मोनोमर यूनिट्स उनके जुड़ने से हमें ये बन मिला है इसलिए ये एग्जाम्पल जो हो गया हमारे का एग्जाम्पल हो गया आगे देखते हैं जिसमें सिमिलरली जैसे हमने ब्यू है ऐस दे ब्यून एन न के ब्यूटा वंथी डाई न कर हमारा एक रायो नाइट्रल से जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा उनके हमारा ब्यूना है एन न के यार ये कैसे बनेगा ये उसी तरीके से बनेगा जैसे इथिन बना था यानी ये जो पाई बॉन्ड है इसको तोड़ देंगे एक पाई बॉन्ड को ठीक है या यहाँ पे हम लोग देखिए इसके पाई बॉन्ड को तोड़ देंगे तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन पेयर चले गया एक इलेक्ट्रॉन पे इसके पास चले गया ठीक है या ये सी एन जो जैसे कि इसमें ऊपर लिखा लगा ऐसे हो जाएगा तो फिर इससे हमारी दूसरी यूनिट जो है बीडेडाइन की वो जुड़ जाएगी आगे और यहाँ से ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ आ जाएगा एक इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ आ जाएगा ठीक है यार अब यहाँ पे इसको भी तोड़ देंगे इस बॉन्ड को तो भाई यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन का पेयर यहाँ इस वाले पे पास भी इसके पास भी दोनों मिलकर एक पाइप बॉन्ड बना लेंगे जो कि यहाँ पे शो हुआ हुआ है और तो जो इसके पास तो एक एक का पेयर बच गया है वो दूसरी यूनिट जो है तो उससे जुड़ जाएगा ओके तो इस तरीके से आपको देखना है कि भाई हमारी जो ये ये रिपीटिंग यूनिट है है वो किस तरीके से बनी है? ओके तो ये तो समझ में आ गया होगा कि भाई ये होमोपॉलीमर है और ये कोपॉलीमर है ये एग्जाम्पल्स आपको याद रखने पड़ेंगे और ये सिंपल भी है एग्जाम्पल्स याद रखने ठीक है तो हमने पढ़ा कि भाई क्लासिफिकेशन जो हम लोग करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ पोलिमाइजेशन के बेसिस पे तो उसके बेसिस पे हम लोग जो क्लासिफिकेशन करते हैं वो दो टाइप के पॉलीमर होते हैं एक होते हैं एडिशन पॉलीमर एक होते हैं हमारे कंडेंसेशन पॉलीमर तो एडिशन पॉलीमर हमने देखे कि भाई उसके अंदर हमारे होमो पॉलीमर हो सकते हैं को पॉलीमर हो सकता है अब देखते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर क्या होते हैं वो पॉलीमर्स विच आर मेनली फॉर्म बाय द रिपीटेड कंडेंसेशन रिएक्शन बिटवीन टू बाय फंक्शनल और ट्राई फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स यूजुअली विद एलिमिनेशन ऑफ स्मॉल मॉलिक्यूल्स लाइक वाटर अल्कोहल अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रन क्लोराइड उनके तो उनको हम लोग बोलते हैं कंडेंशेशन पॉलीमर और इस प्रोसेस को मेनि हम बोलते हैं कंडनसेशन पॉलीमराइजेशन ओके तो ये तो इसकी डिफिनेशन है तो आपको किसी भी बुक में मिल जाएगी लेकिन इंपॉर्टेंट है एक बार समझ लेना कि कंडेंशेशन पॉलीमराइजेशन क्या होती है यानी वो पॉलीमर्स जो कि रिपीटेड कंडेंशेशन रिएक्शन यानी कि हमने कोई भी दो मोनोमर्स ले रखी है बाई फंक्शनल या फिर ट्राई फंक्शनल मतलब मोनोमर मतलब कि उनके अंदर दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या उनके अंदर तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ओके उस मोनोमर यूनिट के अंदर तो ऐसे अगर, तो अगर मोनोमर हमें मिले जिसके अंदर हमारे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है या फिर जिसके अंदर हमारे तीन फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है और अगर उनका आपस में हम लोग कंडेंसेशन कर दे ठीक है जिसमें से हम लोग कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स अगर निकाल दें जैसे कि वाटर निकाल दें अमोनिया निकाल दे अल्कोहल निकाल दें ठीक है ऐसे तो हमें क्या मिलेगा हमारा तो तब जो हमें के हमारा पॉलीमर मिलेगा तो उसे बोलते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर यानी कि इसको हम एग्जांपल एग्जाम्पल से समझेंगे मुझे बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये नाइलन सिक्स सिक्स इसे हम लोग जानते हैं इसके और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं डेराइलिन से हम लोग डाक्रॉन भी बोलते हैं नाइलन सिक्स तो ये एग्जाम्पल्स आपको ध्यान में रखने पड़ेंगे कि भाई ये सब एग्जाम्पल कंडेंसेशन पॉलीमर के एग्जाम्पल्स हैं ठीक है नायलन सिक्स के बारे में देखते हैं हमारे पास ये एग्जामिसलेंट डायन हमारा मोनोमर और एक एडिपिक एसिड है अब देखो एग्जाम सेलेंट डायनमीन के पास भी दो अमीनो ग्रुप है उनके एडिपिक एसिड के पास भी हमारे दो के हमारे काबोजलिक ग्रुप है तो ये क्या हो गया बाई फंक्शनल हो गए ये दोनों बाय फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स हो गई इसमें मिली क्योंकि हमारे दो फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है ठीक है सो हम लोग ये बोल सकते हैं कि वो पॉलीमर आर ली फॉर्म डोके और इन दोनों के बीच में अगर हम लोग कंडेंसेशन रिएक्शन करा दें मतलब कि वाटर को निकाल दें इसके बारे में ये तो मैंने पहले भी बताया है इस वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये रिपीटिंग यूनिट कैसे बनी वाटर मॉलिक्यूल को निकाल के बनी तो कंडेंसेशन रिएक्शन अगर हम लोग कराएं इनके बीच में जो कि फंक्शनल मोनोमर यूनिट्स है हमारे ठीक है तो ऑब्वियसली इसमें हमारे वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होगा ओके okay? यार मगर सिर्फ वाटर का एलिमिनेशन नहीं होता हमारी कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन के अंदर कोई और छोटे मॉलिक्यूल जैसे कि एच का अमोनिया का अल्कोहल का इनका भी एलिमिनेशन हो सकता है ओके okay? तो अगर इस तरीके से होगा तो जो हमारा पॉलीमर बनेगा उसे बोलेंगे हम कंडेंसेशन पॉलीमर ओके अब यहाँ पे एक बात लिखी है और ये बात इम्पॉर्टेंट है और मुझे नहीं पता कि ये बात आपको पता है या नहीं पता बट इट इसम्पॉर्टेंट के है क्या यहाँ पे टू एन माइनस वन एच टू मॉलिक्यूल्स निकलते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है सच में किसी भी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कि भाई हमारा इतना आगे okay, या के okay, मोल्स या फिर मॉलिक्यूल्स वट एवर के हमारे एग्जाम डायमिन के रिएक्ट हुए इतना मॉलिक्यूल्स या मोल्स हमारे एडिपिक एसिड के रिएक्ट हुए नागरिक तुम्हें एन की वैल्यू दे देंगे और वो फिर बोलेंगे कि भाई इन दोनों का जब कंडेंसेशन रिएक्शन हुई तो कितने हमारे वाटर मॉलिक्यूल्स निकले ओके okay, यार तो दैट यू हैव टू फाइंड तो वो पता करने के लिए ओके यार आपको ये पता होना चाहिए कि जो कंडेंसेशन रिएक्शन होती है बिटवीन ओके हमारे नाइल इसके अंदर एग्जाम्पल डायमेंड के अंदर और एडिपिक एसिड के अंदर उसके अंदर हमारे टू एन माइनस वन एच टू ओ मॉलिक्यूल्स निकलते हैं ओके okay? अब समझ लेते हैं कि टू एन माइनस वन एस टू मॉलिक्यूल्स कैसे निकलते हैं देखो अगर मैंने इसका एक सपोज़ हम लोग ये समझ रहे हैं कि इसका मैंने एक मॉलिक्यूल लिया इस एन की वैल्यू वन है ओके इसकी वैल्यू वन है अगर इसकी वन वन वैल्यू होती तो भाई आ, ये जो है इसका एक एच निकलता इसका एक ओ UH एच निकलता तो सिर्फ और सिर्फ एक ही वाटर मॉलिक्यूल निकलता बट आप ये बताओ अगर इनकी वैल्यू वन वन होती तो क्या उसे हम पॉलीमर बोलते इसकी एक यूनिट जुड़ती इनकी एक यूनिट जुड़ती तो पॉलीमर कहाँ से बन जाता वो ओके okay, यार फिर तो ये नहीं होता फिर तो यहाँ पे भी सी ओ एच होता हमारे पास ओके okay? और यहाँ पे भी हमारे पास यहाँ पे भी एक एच और हो, और होता तो फिर वो होता हमारे पास उसके तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है ना तो वो तो पॉलीमर भी नहीं बनता ओके okay? तो इसलिए एक एक इनके मॉलिक्यूल ले ले अगर तो उससे हमारा सिंपल से है ठीक है अच्छे से नहीं बनेगा पॉलीमर उससे हमारा पॉलीमर नहीं बनेगा ओके सो इसीलिए कम से कम हमें इनके दो दो यूनिट्स लेने पड़ेंगे तो हम ये सपोज करते हैं कि एन की वैल्यू टू है यहाँ पे यहाँ पे भी एन की वैल्यू टू है यहाँ पे भी एन की वैल्यू टू है तो इसके एक मॉलिक्यूल आके इसके एक मॉलिक्यूल से जुड़ा तो हमने ये मान लिया भाई इस तरीके का लिंकेज हो गया अब इसका एक और मॉलिक्यूल है इसका भी एक और मॉलिक्यूल है ठीक है तो इस तरीके से ये लिंकेज हो गया उसके बाद ये बच गया ओके इस साइड उनके और इस साइड ये बच गया अब यहाँ पर आके या तो वो वाली एक यूनिट जो हमने ली है वो जुड़े कि हम लोग ये मान सकते हैं कि अगर इसके दो दो मॉलिक्यूल्स है तो हमारे टोटल वाटर मॉलिक्यूल्स कितने निकल रहे हैं एक वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहाँ से निकला एक जब ये जुड़ेगा दूसरी हमारी आगे एग्जाम्पल डायमिंग यूनिट से एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकलेगा एक जब ये जुड़ेगा हमारी दूसरी एडेपिक एसिड की यूनिट से तो एक वाटर मॉलिक्यूल वहाँ से निकलेगा सो so, अगर हम लोग एन की वैल्यू टू रखते हैं ओके यार तो ओके यार तो हमारे यहाँ पे तो हमारे कितने वाटर मॉलिक्यूल्स रिलीज हो रहे हैं हमारे एक दो तीन ओके ये एक जो यूनिट है ये तो एक यूनिट है हमारे सी ओ एच वाले की जो हम लोग बोल सकते हैं उनकी ये पूरी की पूरी एक यूनिट हो गई ये पूरी की पूरी हमारी दूसरी यूनिट हो गई ठीक है और यहाँ पर हमारा एक दूसरा डिपिक एसिड का मॉलिक्यूल जुड़ेगा और यहाँ पर दूसरा एक हेग्जामिथल एंड का जुड़ेगा ओके तो इसी तरीके से हमने ये सोचा है कि हमारी जो एन की वैल्यू है वो टू है समझ में आ रहा है तो फिर इसी तरीके से अगर एन की वैल्यू टू होती तो हमारे तीन वाटर मॉलिक्यूल रीलीज़ होते और अगर हम जहाँ पे दे रखा है टू एन माइनस वन के फॉर्मूले से एन की वैल्यू टू रख दे अगर हम लोग तो टू टू जो है फोर माइनस वन थ्री थ्री वाटर मॉलिक्यूल रिलीज़ होते हैं और एक्चुअल में भी थ्री वाटर मॉलिक्यूल ही रिलीज़ हो रहे हैं एक यहाँ से एक यहाँ से और एक यहाँ से, से ओके सो बस ये ध्यान में रखना है हमें फार्मूला इतनी जो मैंने महाभारत बताई उसका सिर्फ ये मतलब है कि इसके अंदर टू एन माइनस वन एच टू मोलिक्यूल्स लीज होते हैं okay? तो अगर किसी एग्जाम में पूछे एंड की वैल्यू तुम्हें दे रखी हो कि भाई इसमें कितने वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे तो इसके अंदर टू एन माइनस वन वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होंगे और ये आपकी प्रदीप में दिया हुआ है ठीक है आगे चलते हैं आगे हम लोग ये बोल सकते हैं कि एडिशन पॉलीमर की तरह ही जो कंडेंसेशन पॉलीमर्स होते हैं वो भी हम बोल सकते हैं कि वो भी हमारे पॉलीमर भी हो सकते हैं पॉलीमर भी कैसे अगर सेम ही एक ही मोनोमर यूनिट जो है वो रिपीट करें तो पॉलीमर होगा और अगर अलग अलग, अलग हो तो पॉलीमर होगा ओके जैसे कि अगर हम लोग ये बोल सकते हैं कि होमो पॉलीमर के एग्जाम्पल अगर हम देखें तो नाइलन सिक्स स्टार्च स्टार्च होती है सेलुलोज होती है उसमें हमारी ग्लूकोज यूनिट्स ही रिपीट करती है, रहती है ठीक है ओके और ग्लूकोस यूनिट्स भी बाय फंक्शनल होती है जैसे कि हम जानते हैं उसमें एडिहाइड्रिक ग्रुप भी होता है और एक अल्कोहलिक्र और अल्कोहलिक ग्रुप्स तो कितने होते हैं तो वो भी हमारी बाय फंक्शनल होती हैं ठीक है सो so, हम लोग ये बोल सकते हैं कि क्योंकि उसमें एक ही यूनिट रिपीट होती रहती है इसलिए वो एग्ज़ाम्पल हो गया हमारा कंडेंसेशन होमोपोलीमर का कोपोलीमर के अंदर बात करें तो जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स जो है मोनोमर यूनिट्स जो आकर जुड़ती है तो उनको बोलते हैं कंडेंसेशन को जैसे कि हमने भी एग्जाम्पल देखा हमारे नायन सिक्स सिक्स का तो नायन सिक्स सिक्स जो है वो एग्ज़ाम्पल है हमारे कंडनसेशन कोपोलीमर का आगे देखते हैं और भी एग्जाम्पल हो सकते हैं इसके फॉर एग्जाम्पल हमारा जो टेराइलिन हुआ डाक्रन हुआ जिस टेरालिन की टेरालिन को हम लोग डैक्रन भी बोलते हैं और जो हमारा बेकेलाइट हुआ मेलामाइन फॉर्मेलिटी हाइड हुआ जो हमारे पॉली यूरिथिन हुए अल्काइड रेजिन हुए तो ये सब एग्जाम्पल है कंडन कोपोलीमर के इनके मोनोमर यूनिट्स आपकी प्रदीप में दी हुई है उसे रेफर कर लेना ठीक है आगे चलते हैं आगे हम बात करते हैं कि क्लासिफिकेशन अगर हम लोग करें पॉलीमर्स का ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोलिकुलर फोर्सेस यानी जो मॉलिकुलर फोर्सेस उनके बीच में ऑपरेट हो रहे हैं उनके बेसिस पे तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मॉली फोर्सेस के बेसिस पे अगर हम लोग क्लासिफिकेशन करें तो तीन तरीके से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं एक तो इलास्टोमर्स दूसरा फाइबर्स तीसरा थर्मोप्लास्टिक और चौथा थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ठीक है so, सो Uh, हम लोग ये बोल सकते हैं दिस क्लासिफिकेशन इज़ मेनली बेस्ड ऑन द मैकेनिकल प्रॉपर्टी जैसे कि जो टेंसिल स्ट्रेंथ होती है उनकी इलास्टिसिटी जो होती है टफनेस जो होती है उसके ऊपर बेस्ड होती है हमारी ये क्लासिफिकेशन और ये जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ होती है ये किस पे डिपेंड करती है ये डिपेंड करती है ओके okay, यार जो मोलिक इंटर मोलिकुलर फोर्सेज जो ऑपरेट हो रहे हैं उनके बीच में ठीक है तो उसके ऊपर ये डिपेंड करती है ऑफ़ अट्रैक्शन अगर ये ये written, यहाँ पे अट्रैक्शन आएगा ठीक है करेक्ट इट प्लीज यहाँ पे आएगा डिपेंड्स अपॉन इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ओके तो हेयर इज अट्रैक्शन ओके तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन बेस्ड होती है अपॉन द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जैसे कि टेंसिल स्ट्रेंथ इलास्टिसिटी कितनी है टफनेस कितनी है उसके बेसिस पे और ये मैकेनिकल प्रॉपर्टीज जो होती है ये डिपेंड करती है इंटरमोलिकुलर फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर जैसे कि जो वॉन्डर वॉल फोर्सेज होते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं डाइपो टाइपोल इंट्रैक्शन होते हैं जो एडजेसेंट चेन्स के बीच में ऑपरेट हो रहे हैं उनके ऊपर डिपेंड करती है ये प्रॉपर्टीज ओके हाँ तो अब आगे देखते हैं क्लासिफिकेशन कैसे होती है सो ऑन द बेसिस ऑफ द इंटरमोलिकुलर फोर्सेज जो ऑपरेट हो रहे हैं हमारे पॉलीमर्स जो होते हैं दे कैन बी क्लासीफाइड एज इलास्टोमर्स ओके दे कैन बी क्लासीफाइड एज फाइबर्स दे कैन बी क्लासीफाइड एज हमारे थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स दे कैन बी क्लासीफाइड एज थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स तो हम एक एक पॉलीमर को अच्छे से देख लेते हैं उनके okay. इलास्टोमर्स कौन से होते हैं इलास्टोमर्स जो होते हैं कुछ नहीं होते हैं इसमें कुछ ऐसी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है जो रबर लाइक सॉलिड्स होते हैं जिनके अंदर कुछ ना कुछ इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ होती है यानी पॉलीमर्स चेंज जो है उनके अंदर बहुत ही वीक वॉन्टर जो बहुत ही वीकेस्ट जो वॉन्डरबल फोर्स ऑफ अटैक्शन होता है ना ठीक है उससे जुड़ी रहती है ओके okay, तो फिर हम लोग ये बोल सकते हैं यानी वो पॉलीमर्स वो रबर के रबर जो होते हैं समझ रबर्स जो होते हैं वो बेस्ट एग्जाम्पल होते हैं हमारे इलास्टोमर्स का ओके okay? क्योंकि उनके अंदर हमारी जो इलास्टिसिटी होती है बहुत अच्छी होती है अगर okay, उनको हम लोग खींचते तो वो खींचते चले जाते छोड़ जाते तो वो अपने दोबारा शेप में आ जाते हैं ठीक है ठीके? तो इलास्टिसिटी अच्छी क्यों होती है क्योंकि उनके अंदर जो पॉलीमर्स चेन होती है उसके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ना वो बहुत ही वीक होता है वॉन्ड्रबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसलिए उनके अंदर जो उनकी इलास्टिसिटी होती है वो बहुत अच्छी होती है इसलिए वो आ गए हमारे इलास्टोमर्स के अंदर ओके यार तो इलास्टोमर्स के अंदर आ गए ये हमारे ठीक है तो इसके एग्जांपल हमारे सामने है ब्यूना एस ब्यूना एन न्यू पीन सब आपके रबर ही है ओके यार तो ये सब एग्जाम्पल हो गए हमारे इलास्टोमर्स का ठीक है ओके न्यू आपको पता ही है जो हमारा जो होता है हमारा क्लोरोब्यूटाडाइन डाइ इन हम लोग ये बोल सकते हैं दैट इज़ ओके ओके टू क्लोरोब्यूटा ओके टू डाइन ओके या So, इसी सो इसी तरीके से ये सब एग्जांपल्स हैं हमारे ये जो हमारे एग्जांपल्स हैं हमारे इलास्टोमस के तो इलास्टोमस के एग्जांपल्स में ऐसा तो कुछ भी नहीं है सिर्फ हमें ये ध्यान में रखना है कि हमारा जो मतलब कि इलास्टिसिटी सबसे ज़्यादा होगी ओके और जितने भी हमारे जो रबर्स है वो सारे एग्जाम्पल्स हमारे इसके अंदर ही आ जाते हैं मतलब कि हमारे दिस इसके अंदर इलास्टोमस के अंदर वो सारे एग्जाम्पल्स आ जाते हैं ठीक आगे चलते हैं आगे बात करते हैं फाइबर्स के बारे तो तो में वो पॉलीमर्स यूनिट जिनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्वाइट स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है मतलब कि से तो बहुत ज़्यादा होता है इलास्टोमोस के तो सबसे वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कई बार ऐसे भी आ जाता है कि अरेंज करो इन सबको ऑन द बेस ऑफ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बेसिस में कि किसके अंदर कितना सबसे ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है किसके अंदर कम होता है किसके अंदर बहुत कम होता है ओके okay यार हाँ। सबसे कम तो इलास्टोमस के अंदर होता है फाइबर्स के अंदर उनसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमोिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है डायपोल इंट्रैक्शन हो सकता है यानी कि वो पॉलीमर्स जिनके अंदर के या तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो डायपोल डायपोल हो तो उनको मिली हम बोलते हैं फाइबर्स ठीक है तो उनके अंदर जो बनेगा वो बनेगा फाइबर तो यानी ये ध्यान रखना है कि भाई लास्टो मस के अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वॉन्ड्रल होता है बहुत ही वीक होता है फाइबर्स के अंदर स्ट्रॉग होके होता है स्ट्रॉगेस्ट होता है मतलब जो हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं या फिर डायप्रो डाइपोल अट्रैक्शन ठीक है और इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमिकल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की वजह से ही फाइबर्स की टेंसिल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है ओके और टेंसिल स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली जो उनकी इलास्टिसिटी होगी जब उसको हम लोग खींचेंगे ठीक है तो वो खींच नहीं पाएगा बिकॉज जो उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो काफ़ी स्ट्रॉग है जैसे कि अगर हम लोग रबर को खींचते हैं जो रबर बैंड होता है तो वो खींचता चल जाता है क्योंकि इलास्टिसिटी ज़्यादा है लेकिन फाइबर्स को खींचते हैं तो वो खींचता नहीं चले जाता ओके okay, यार क्योंकि उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन स्ट्रॉगर है उनकी इलास्टिसिटी बहुत कम है ठीक है यार ओके okay, जो चेन्स है उनकी बहुत ही क्लोज़ पैकिंग है ठीक है और इसकी वजह से ही उनका क्रिस्टलाइन नेचर होता है ओके okay? तो ये बात हो गई और क्लोज़ पैकिंग जहाँ भी हमने देखा कि भाई क्लोज पैकिंग है तो वहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट तो ज़्यादा हो गई ठीक है तो फाइबर्स के हमारे बेस्ट एग्जांपल हो गए पोली एमाइड्स ये सब एग्जांपल्स हो गए हमारे फाइबर्स के ठीक है तो के के हम वहाँ के के अंदर हम लोगों ने पढ़ी जो नाइलन सिक्स सिक्स है नाइलन सिक्स है पोली के अंदर भी हम लोग पढ़ेंगे आगे तो ये सब एग्जाम्पल्स हो गए हमारे फाइबर्स के आगे बात करते हैं जैसे कि नाइलन सिक्स सिक्स से हमारा पोलीस्टमाइड हो गया ओके ये एग्ज़ाम्पल हो गया हमारे फाइबर्स का जो हमारा पॉली एसिड वगैरह हो गया उसका एग्जाम्पल हो गया हमारे टेराइलिन आगे बात करते हैं थर्मो प्लास्टिक पॉलिमर्स के बारे में यानी वो पॉलीमर्स जिनके बीच अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो जो हमारे इलास्टोमर्स फाइबर्स जो है उनके बीच का होता है यानी कि ना तो इतना वीक होता है जितना इलास्टोमर्स के अंदर होता है ना ही इतना स्ट्रॉन्ग होता है जितना फाइबर्स के अंदर होता है इन दोनों के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ठीक है यार उनको मेली हम बोलते हैं थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स ठीक है तो ये ना तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते ना बहुत ज़्यादा वीक होते और इनके अंदर ये दे मिली हैव हाँ नो क्रॉस लिंक्स बिटवीन द चन्स अगर इनकी जो तो चेन्स होती है उनके बीच में कोई क्रॉस लिंक्स नहीं होते ठीक है ये लीनियर होते हैं या फिर कभी कभी स्लाइटली ब्रांच हो सकते हैं विचर मिली हार्ड रूम टेम्परेचर बिकम सॉफ्ट एंड विस्कस ऑन हीटिंग एंड अगेन रिजिट ऑन कूलिंग तो अब तक हम लोगों ने यह देखा कि भाई इनके अंदर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके वो बहुत ज़्यादा नहीं होता यानी कि हम लोग ये बोल सकते हैं इज़ इन बिटवीन लगे या जो हमारे इलास्टोमर्स होते हैं और फाइबर्स जो होते हैं उनके बीच का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इनके अंदर ये बात एकदम सही है ठीक है यार इसलिए बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं होते बहुत ज़्यादा वीक भी नहीं होते और इनके अंदर कोई क्रॉस लिंक्स भी नहीं होती ठीक है ये लीनियर भी हो सकते हैं ब्रांच भी हो सकते हैं ठीक है बट इनके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो ये है कि ये जब इनको हम लोग जैसे कि ये पॉलीमर चेंज होती है हार्ड होते हैं अगर रूम टेम्परेचर के अंदर तो जैसे ही हम लोग इन्हें हीट करेंगे ये सॉफ़्ट हो जाते हैं विस्कस हो जाते हैं मतलब इसे गाढ़े से लिक्विड की तरह हो जाते हैं ठीक है अगर हीट करते जब उनको लेकिन जब हम उनको दोबारा कोल्ड कंडीशन प्रोवाइड करेंगे या फिर दोबारा जब उसको रूम टेम्परेचर पर रखेंगे तो वो दोबारा हार्ड हो जाएंगे दोबारा रिजिड हो जाएंगे ठीक है तो ये प्रोसेस हम कितनी भी बार कर सकते हैं कि भाई जब उन्होंने हीट करा तो वो सॉफ़्ट हो गए फिर के okay, उन्हें दोबारा कूल कोल्ड कंडीशन पे रखा तो वो दोबारा हीट हो गई जैसे कि वैक्स देखते हैं ना वैक्स हो गया उसको हीट करते तो वो हो जाता है मतलब कि वो सॉफ्ट हो जाता है जैसे प्लास्टिक्स भी एग्जांपल्स होते हैं कि तो प्लास्टिक को हीट करते हैं हम लोग तो वो सॉफ्ट हो जाएंगे लेकिन जब उन्हें दोबारा हम लोग उनके कोल्ड कंडीशन में रखते तो दोबारा वो मेनली हमारे स्ट्रॉग मतलब कि हार्ड हो जाते हैं रिजिड हो जाते तो इसी तरीके से होते हैं वो तो फिर इनको हम लोग इस तरह प्रोसेस के थ्रू कितनी बार भी कर सकते हैं हीट करो फिर कोल्ड करो इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं होगी इस प्रोसेस के दौरान ठीक है तो इसके बेस्ट एग्जांपल हो गया हमारा पॉलीथीन जो हम लोग देखते हैं पॉलिसटरिन ना के पी वी पॉलीफिनाइल न के पेफलॉन ठीक है okay, okay, यार ये सब क्या होते हैं इनके बारे में आपको आगे पता चलेगा कि इनके मोनोमोन क्या होती है ठीक है अब थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स ठीक है या इसमें बहुत ही मेजर डिफरेंस आ रहा है दोनों के बीच में ओके okay, अगर आप कोई रिटर्न पेपर दे रहे हैं जैसे कि कोई भी बोर्ड का एग्ज़ाम या फिर कुछ भी जो मतलब कि टेस्ट भी होते हैं ट्वेल्थ क्लास में हाफ की और हमारे वो भी होते हैं तो प्री बोर्ड्स में भी ओके okay, तो फिर ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है इस चैप्टर में से कि थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स और थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के अंदर क्या डिफरेंस है ओके okay. तो फिर हम लोगों ने थर्मो ओके okay, प्लास्टिक पॉलीमर्स देखे अब थर्मोसेटिंग देख लेते हैं थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स दीज आर सेमी फ्लूड सब्सटेंसेज विद लो मॉलिकुलर मासज विच हीटेड इन अ मोल्ड अंडर गोस चेंज इन केमिकल कंपोजिशन टू गिव हार्ड इन फ्यूजिबल इन सॉलिबल मास मतलब ये है इन पॉलीमर्स के अंदर क्रॉस लिंक्ड भी होते हैं पॉलीमर्स ठीक है हेविली ब्रांच होते हैं देखिए तो ये ध्यान रख सकते हैं ये सब मैं डिफ्रेंसेस डिस्कस लेटर ऑन ठीक है तो इनके अंदर इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये हमारे सेमी फ्लूड सब्सटेंसेज होते हैं जिनका मोलिकुल मास हमारा कम होता है और जब हम लोग हीट करते हैं इनको ओके तो ये बहुत ही मोल्ड हो जाते हैं मतलब जब इनको हीट करते हैं कि तो मोल्ड हो जाएंगे मतलब कि लेकिन जब हम लोग गे? और उस दौरान हीटिंग के दौरान ये केमिकल कंपोजिशन जो है इनकी वो चेंज हो जाती है ओके ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि इनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है ये जबकि उनके अंदर ऐसा नहीं होता ये दीज पॉलीमर्स दे आर क्रॉस लिंक हैविली ब्रांच विच ऑन हीटिंग अंडरगो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग बिटवीन डिफरेंट पॉलीमर्स चेंज टू फॉर्म थ्री डायमेंशनल नेटवर्क सॉलिड एंड अगेन बिकम इनफ्यूसिबल दे के नॉट बी रीयूज मतलब हम लोग ये बोल सकते हैं कि पहले से ही इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है ये हेविली ब्रांच होते हैं ओके okay, और जब हम लोग इनके अंदर इम्पोर्टेंट बात ये है कि जब हम लोग इनको हीट करेंगे तो इनकी जो केमिकल कंपोजिशन है उसमें चेंज होगा उनके और जो इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी ठीक देखो तो जब उनको हीट करेंगे तो इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी और वो क्रॉस लिंकिंग होने बढ़ने की वजह से ही इनके अंदर हार्डनिंग बढ़ेगी ये एक हार्ड इंसॉल्यूबल जैसा मास ब, बन जाएंगे ठीक है यहाँ हाँ ये थ्री डायमेंशनल नेटवर्क क्रिएट कर लेंगे ठीक है यहाँ ओके okay, तो फिर मतलब कि कहने का मतलब ये कि उनको हम हीट कर सकते हैं ओके okay, तो वो मेनली हमारे थोड़े मेल्ट हो जाएंगे थोड़े विस्कस से बन जाएंगे फिर जब कोल्ड करेंगे तो वो दोबारा सोल्ड हो जाते हैं जब तो हम लोग थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स के बारे में ये बात है थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स उनको हीट करते हैं अगर हम लोग तो उनके केमिकल कंपोजिशन में चेंज होता है ठीक है और वो उनके अंदर हार्डनिंग होती है कि और वो हार्ड हो के एक इनफ्यूसिबल मास जैसा बन जाते हैं एक इनसॉलिबल मास जैसा बन जाते हैं ठीक है थ्री डायमेंशनल और ये क्यों होता है इसलिए होता है बिकॉज इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है ये हेविली ब्रांच मॉलिक्यूल्स होते हैं और जब हीट करते हैं तो हार्डनिंक इसलिए होती है बिकॉज ये क्रॉस लिंकिंग बढ़ जाती है इनके अंदर जो एक्सटेंसिव क्रॉस लिंकिंग की वजह से थ्री डायमेंशनल नेटवर्क क्रिएट करते हैं ठीक है ओके okay, तो अब जब ऐसा करते हैं ये लोग तो ऑब्वियसली इनको हम लोग रीयूज़ नहीं कर सकते क्योंकि जब भी हम लोग हीट करेंगे इनकी केमिकल कंपोजिशन में चेंज हो जाएगा ठीक है तो हाउ दे कैन बी रीयूज ओके जैसे कि ये यह हमने यहाँ पे शो करा हुआ है ये आपके प्रदीप से ही है ये हमारे एक अनक्रॉस लिंक पॉलीमर है उनकी लेकिन जब उनको हीट करेंगे अगर हम लोग तो इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग इतनी बढ़ जाती है कि यार देखो क्रॉस लिंकिंग दिखा रखी है तो क्रॉस लिंकिंग बढ़ने की वजह से ये बहुत ही हार्ड एक इनफ्यूसिबल जैसा मास बन जाता है एक इनसॉलिबल जैसा मास बन जाता है थ्री डायमेंशनल का नेटवर्क ठीक है इसलिए हम लोग ये बोल सकते हैं कि इनको हम लोग री नहीं कर सकते और ये थर्मोप्लास्टिक प्लास्टिक पॉलीमर से अलग है ओके यार बिकॉज थर्मो पॉलीमर्स के अंदर क्रॉस लिंकिंग नहीं होती है ठीक है इसलिए उनको हम लोग हीट करते हैं तो वो विस्कस बन जाते हैं कोल्ड करते हैं दोबारा वो अपने सॉलिड बन जाते हैं इनको हम लोग इनके अंदर क्रॉस लिंकिंग होती है हीट करते हैं तो क्रॉस लिंकिंग जो है और ज़्यादा बढ़ जाती है उसकी वजह से ये बहुत ही हार्ड और बहुत ही इनसॉलिबल जैसे मांस में बन जाते हैं उनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स को हीट करने से उनकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंज नहीं होता थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स को हीट करने से उनकी केमिकल कंपोजिशन चेंज हो जाती है ओके okay? इसके जो बेस्ट एग्जांपल है बेकेलाइट हुआ यूरिया फॉर्मेटी हाइड रेजन हुआ तो ये इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हो गए ठीक है आगे देखते हैं हम लोग आगे ये बोल सकते हैं जो तो तो, 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 क्या प्रश्न है इससे हमें ये प्रश्न ला कि भाई थर्मोप्लास्टिक पॉलीमर्स जो है दे कैन बी मेल्टेड उनके अगेन एंड अगेन ओके यार दे कैन बी मेल्टेड अगेन एंड अगेन ठीक है यार विदाउट एनी चेंज इन केमिकल कंपोजिशन वाइल जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स है उनके यार उनको हम लोग एक ही बार हीट कर सकते हैं दे कैन बी हीटेड ओनली वंस वेन इट परमली सेट्स इन टू अ सॉलिड विच कैन नॉट बी रीमेल्ट एंड री मल्ट ओके यानी थर्मो प्लास्टिक पॉलीमर्स को हम लोग बार बार मेल्ट कर सकते हैं उनको उनकी शेप चेंज कर सकते हैं उनको बार बार यूज कर सकते हैं लेकिन जो थर्मोसेटिंग पॉलीमर्स होते हैं उनको एक ही बार हीट करा जा सकता है और क्योंकि उसके बाद वो बहुत ही हार्ड और बहुत ही इंसॉल्यूबल जैसा मास बन जाता है उनका जो कि परमानेंटली सेट हो जाता है और उसको फिर दोबारा हम लोग मेल्ट या दोबारा कोई रीवर्क को उसमें नहीं कर सकते ठीक है ये है अब ये ख़त्म होने वाली है हमारी वीडियो ओके बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है देख लेते हैं सो नाउ द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ पॉलीमाइजेशन तो मैकेनिज्म ऑफ ग्रोथ पॉलिमाइन ये तो एकदम सिंपल सा है कि जो एडिशन पॉलीमर्स बनते हैं उन्हीं को हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं क्योंकि उनके अंदर हमारी मोनोमर यूनिट के एडिशन से फॉर्म होते हैं ठीक है तो ये ये बोल रहे हैं कि भाई ये क्लासिफिकेशन इस बात पे बेस है कि जो हमारी के चेन जो बढ़ रही है जो ग्रोथ हो रही है हमारी ठीक है पॉलीमर की जो चेन बढ़ रही है उसका मेकानिज़्म क्या है ठीक है उसके बेसिस पे क्लासिफिकेशन बेस्ड है तो अगर एडिशन अगर हम लोग रिपीटेड मोनोमर यूनिट्स का एडिशन करे जा रहे हैं उससे हमारी चेन की ग्रोथ हो रही है ठीक है यार कोई भी हमारी रिएक्टिव इंटरनेट बन रहा हो चाहे फ्री रेडिकल बन रहा हो कार्बोकेटायन बन रहा हो या फिर कार्बो एनाइन ये कार्बोकेटायन है ठीक है ये बी नहीं है यहाँ पे ठीक है और है ओके ओके इससे भी और बी नहीं है यहाँ पे चाहे फ्री रेडिकल बन रहा हो कार्बोकेटायन बन रहा हो कार्बो एनायन बन रहा हो किसी के भी कारण जो हमारे मोनोमर यूनिट्स एक दूसरे से जुड़ते जा रहे हैं और जो लंबी चेन क्रिएट होती जा रही है ओके तो उसको एडिशन पॉलीमर हमने बोला था तो वो एक तरीका हो सकता है एडिशन हो गया ओके okay, पॉलीमर का ओके okay, तो ये हो गया ठीक है यार तो इस तरीके से हो सकता है जिसको मेरे हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर्स भी बोलते हैं तो वही हमारे एडिशन पॉलीमर्स को ही हम लोग चेन ग्रोथ पॉलीमर्स बोलते हैं दूसरे होते हैं कंडेंसेशन पॉलीमर्स ओके यार जो हम लोगों ने बात करी थी वो हो गए हमारे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर्स बिकॉज उनके अंदर स्टेप वाइज कंडेंसेशन रिएक्शन एक्शन हो रही थी हमने देखे थे नारायण सिक्स का फॉर्मेशन की कैसे दो मोनोमर यूनिट्स बन जुड़ी आपस में ओके okay, यार और uh, उनमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकला ठीक है यार ओके और फिर अब आगे इसी तरीके से कंडेंसेशन रिएक्शन हो गया हमारी मोनोमरी जुड़ेगी तो वो एग्जाम्पल गया हमारे स्टेप ग्रोथ पॉलीमर का ठीक है सो दिस वॉज ऑल अबाउट ओके वीडियो बहुत लंबी हो गई है ओके है सो इस वीडियो में हम लोगों ने क्लासिफिकेशन तक कम्प्लीट कर लिया है ठीक है सो आई होप सो यू ऑल गेट इट वेरी वेल ओके या तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है इसको इग्नोर नहीं करना है इसको पढ़ना है एक बार ओके ज़रूर समझना है ठीक है So, this was all about. Thanks for watching the video and have a very happy learning.